भारतीय टीम मैनेजमेंट फिलहाल जडेजा की फिटनेस पर लगातार ध्यान बनाए हुए है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 में जडेजा को कनेक्शन की शिकायत हुई थी, इसके बाद वे T20 सीरीज और पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए थे। साथ ही उन्हें हैमस्ट्रिंग की भी प्रॉब्लम थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 26 दिसंबर से शुरू हो रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को टीम में शामिल किया जा सकता है। ऐसे में मिडल ऑर्डर में बैट्समैन हनुमान बिहारी को बाहर किया जाएगा। रविंद्र जडेजा को टीम में शामिल करने का निर्णय उनकी फिटनेस के आधार पर लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अगर जडेजा फिट होते हैं तो बिहारी को अपनी जगह छोड़नी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जडेजा लंबे स्पेल तक बॉलिंग भी कर सकते हैं, साथ ही वे अच्छे बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। इससे भारतीय टीम 5 गेंदबाजों के कॉम्बिनेशन के साथ मेलबर्न टेस्ट में उतर सकेगी। रविंद्र जडेजा धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, हालांकि फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि वे मेलबर्न में होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले 100% फिट हो पाएंगे या नहीं।